नमस्कार, स्वागत है आपका गेट रिच के एक और एपिसोड में। और गेट रिच में मैं नॉर्मली काफ़ी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लाता हूँ, जैसा मैं कहता हूँ कि उनमें से कुछ को मैं जीनियस की कैटेगरी में रखता हूँ। और आज मेरे साथ उन्हीं में से एक है। मैं बात करूँगा सौरभ मुखर्जी से, मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर के को फाउंडर, और TV पर आप इन्हें पहले भी कई बार देख चुके हैं। सौरभ, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेम टू यू, सेम टू योर व्यूअर्स एज वेल। सौरभ, पहले तो मार्केट की बात करते हैं। हाँ जी, काफ़ी कोहराम मचा हुआ है मार्केट में इस समय। निफ्टी पिछले कुछ दिनों में ज़बरदस्त करेक्शन के साथ अब 25,000 तोड़ा, उसके बाद रिसेंट लोज भी तोड़े। अब ये मार्केट क्यों डरा हुआ है इतना? क्या इस मार्केट को तंग कर रहा है आपके हिसाब से? 24,000 भी तोड़ दिया हमने। आई थिंक दो अलग अलग चीज़ें अनुज एक साथ हो रही है कुछ हद तक, इसलिए आप उसको परफेक्ट स्टॉर्म जो कहा जाता है, न्यूज़कास्टर जिसको परफेक्ट स्टॉर्म बोलते हैं। तो पहली चीज़ जो है, इकोनॉमिक डाउन साइकिल आ रही है। सो कोविड के बाद इंडिया की इकोनॉमी में 3 साल शानदार प्रदर्शन दिखाया, FY22, FY23, FY24 7% GDP ग्रोथ रही, करीबन 20% अर्निंग्स ग्रोथ रही मार्केट में। एंड जाहिर है उसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट खूब आगे बढ़ी। अब क्या हो रहा है कि एक सिक्लिकल डाउनटर्न आ रहा है, इसमें कुछ आश्चर्यजनक बात नहीं है। फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जाहिर है कि इकोनॉमी के उतार चढ़ाव रहेंगे। तो एक सिक्लिकल डाउनटर्न आ रहा है जिसकी वजह से Q2 अगर हम जून में देखें तो मार्केट की EPS ग्रोथ जीरो थी, अगर हम बैंक्स को बाहर रखें। Q2 जून की बात कर रहा हूँ, और Q2 सेप्टेम्बर मेरे ख्याल से अगर हम बैंक्स को इंक्लूड भी कर ले, मार्केट लेवल पर 0% अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। सो मार्केट को आई थिंक संकेत मिल गया है कि अर्निंग्स ग्रोथ अभी कमज़ोर रहेगी कुछ क्वार्टर, साइक्लिकल डाउनटर्न है, और वो एक पहला कारण है जिसकी वजह से निवेशक चिंतित हैं। रिमेंबर, काफ़ी सारे निवेशकों के लिए पहला इकोनॉमिक डाउनटर्न है। और दूसरा जो सिचुएशन है पॉलिटिकली भी दुनिया में, एक सेकंड, दूसरे पे मैं, उससे पहले आप कह रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ जो इस साल जिस क्वार्टर में एक्सक्लूडिंग बैंक्स नेगेटिव है, सॉरी फ्लैट है, अगले क्वार्टर में इंक्लूडिंग बैंक्स भी फ्लैट होगी। हाँ जी, सो मैं बोल रहा हूँ कि जून के क्वार्टर में तो इंक्लूड एक्सक्लूडिंग बैंक्स अर्निंग्स ग्रोथ जीरो था, और सितंबर के क्वार्टर में मैं बोल रहा हूँ बैंक्स को इंक्लूड भी कर लें तो 100 बैंक्स मतलब अर्निंग्स नेगेटिव होंगे। हाँ, मार्केट मार्केट लेवल पर लिखा जाए अर्निंग्स ग्रोथ जीरो के आसपास आएगा, शून्य के आसपास आएगा सितंबर क्वार्टर में। और अगर हम आगे जाते हुए फोरकास्ट भी देखें, मेरे को लगता नहीं कि दिसंबर के क्वार्टर में या मार्च के क्वार्टर में कुछ तोड़फोड़ अर्निंग्स ग्रोथ मार्केट लेवल पे, दिसंबर और मार्च के क्वार्टर, मार्च 25 की बात कर रहा हूँ और दिसंबर 24, वहाँ पे भी अर्निंग्स ग्रोथ कमज़ोरी रहेगी। तो आपके मार्केट के वैल्यूएशंस चढ़े हुए हैं, निफ्टी की फॉरवर्ड पी 24-25 के आसपास है और आपकी अर्निंग्स ग्रोथ शून्य के बराबर, तो जाहिर है निवेशक चिंतित हो रहे हैं। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इनएक्सपीरियंस, काफ़ी निवेशकों के लिए पहला इकोनॉमिक डाउनटर्न है। एंड मेरे को जो दिख रहा है कि उनमें से कुछ लोग चिंतित होके शायद कुछ हद तक पैनिक में आके अपने पोजीशंस लिक्विडेट। इस पर आऊँगा वापस मैं। दूसरा, पॉलिटिक्स को लेकर कुछ कह रहे थे। हाँ जी, तो बोल रहा था दुनिया में पॉलिटिकल माहौल भी काफ़ी संगीन है। US में इलेक्शंस तो है ही, प्लस जो रशिया यूक्रेन का माहौल बना हुआ है, जो गाज़ा में इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रही है, इंडिया में भी असेंबली इलेक्शंस हैं। सो पॉलिटिकल विशिएशन भी है, पॉलिटिकल माहौल भी थोड़ा सा अनसर्टन है, और इकोनॉमिक साइक्लिकल इकोनॉमिक डाउनटर्न है, दोनों को जोड़ के मेरे ख्याल से एक करेक्शन का माहौल बन गया है। आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है कि बहुत इन्वेस्टर्स के लिए पहली बार है जो इस बुल रन के बाद उन्होंने इस तरीके का मूव देखा है। हाँ जी, और कोविड के बाद से जो पैसा आया उसने अब तक करेक्शन देखी नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 7-8% करेक्शन पे गया, उससे पहले कभी गया नहीं। भले प्राइस वाइज एक बार डैमेज जरूर हुआ था इलेक्शन के बाद, लेकिन वो तुरंत अगले दिन बाउंस बैक कर गया था। तो क्या एक रिस्क है कि जो मार्केट में पिछले 3-4 सालों में बेतहाशा पैसा चेज हुआ है, ना सिर्फ वो रुकेगा बल्कि कुछ रिडेम्पशन का भी खतरा आ सकता है वहाँ पर फिर? तो देखिए, पहला तो जो आंकड़ा ऑलरेडी आपके हमारे सामने है कि अक्टूबर के महीने में विदेशी निवेशकों ने करीबन 12-13 बिलियन डॉलर निकाल लिया इंडिया के मार्केट से, राइट। एंक्वाइज्ड, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि चाइना के वजह से है, मेरे ख्याल से वैसा नहीं है। आई थिंक विदेशी निवेशक ने अंदाज़ा लगाया है, अनुमान लगाया है कि इंडिया की मार्केट महंगी है, रिलेटिव टू फंडामेंटल्स महंगी है, तो विदेशियों का रिडेम्पशन तो जोर शोर से शुरू हो चुका है। अब रही बात डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, इट विल बी इनक्रेडिबल अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर में रिडेम्पशन नहीं दिखे। अगर हम सेबी के आंकड़े लें, सेबी का कहना है कि आज के डेट में करीबन 170 मिलियन करीबन 17 करोड़ डीमैट अकाउंट इंडिया में है, वही नंबर 4 साल पहले
3 करोड़ का होता था। सो 3 करोड़ डीमैट अकाउंट से हम 17 करोड़ में पहुंच गए हैं। तो उसमें से डेफिनेशनली करीबन 10-11 करोड़ निवेशक हैं जिनके लिए पहला डाउन टर्न है। इनकम टैक्स का रिटर्न, आईटी रिटर्न्स का डेटा देखें ईयर टू मार्च 24 के लिए केवल 2 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स के पैसे भरे, बाकी नल रिटर्न फाइल, हाँ नल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो अगर आपके पास 17 करोड़ डीमैट अकाउंट है और 2 करोड़ लोग आईटी रिटर्न्स भर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि काफी लोगों ने तो पैसा नहीं बनाया है, उन लोगों के पास पैसे नहीं है। एंड जाहिर है अगर वैसे माहौल में उनके ऊपर रिडेम्पशन आ रही है तो हमको यू नो सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि इसमें इनमें से काफी लोग रिडीम कर जाएं। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स? गुड सर, 53 बॉल्स। अच्छा 53 था सर। एक बात बोलूं, आप एसिल और वेरिलक्स क्यों नहीं ट्राई करते? इंस्टेंट शार्प फोकस के लिए नजदीक से दूर तक, स्विच टू एसिल और वेरिलक्स लेंसेस, दुनिया भर में नंबर वन प्रोग्रेसिव लेंस ब्रांड। विचार नए हैं तो अब नया विकास हो, पुरानी इस जमीन पे नया इतिहास हो, जरूरते हैं पानी की जो दूर दूर तक, पियो ना ओक से पियो जितनी भी प्यास हो, एक बार हमारा नाम लो तो एहसास हो, विचार नए हैं तो अब नया विकास हो। उन उंगलियों की खैर जो धागों को बुनती हो, फ्यूचर का ख्वाब देखो तो तकिए के पास हो, उड़कर चलो ना फ्लाईओवर से तो जानोगे हम कितना कुछ बनाते हैं विकास के लिए, उम्मीदें भर के देते हैं हर एक चीज में हम हैं ना, अगर आपकी उम्मीद खास हो, जुड़े हैं हम 140 करोड़ लोगों से, चारों ओर देखो तो एहसास हो, विचार नए हैं तो अब नया विकास हो। वेल्सपन वर्ल्ड। कुछ लोग लोकल प्लाई का रंग, कम दाम या वाटरप्रूफ का स्टैम्प देखकर धोखा खा जाते हैं, और ये है सैनिक 710। लोकल प्लाई बस वाटरप्रूफ होने का दावा करते हैं, और सैनिक 710 ही असली वाटरप्रूफ प्लाई है, तो धोखा मत खाइए, सैनिक 710 ही घर लाइए। सैनिक 710 सिर्फ 114 रुपीज पर यूनिट। सौरभ, क्या ये मार्केट, अब अगर आप कह रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ से फोर्सिएबल फ्यूचर में जीरो दिख रही है आपको, तो फिर ये मार्केट 24 टाइम पर क्यों ट्रेड करे? फिर क्या ये मार्केट, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं इंडेक्स ठीक है, फ्रॉथ मिड कैप और स्मॉल कैप में, अगर आपकी थ्योरी सही है तो फिर तो इंडेक्स में भी फ्रॉथ है। हाँ जी, तो मुद्दों को दो पार्ट में तोड़ देता हूँ। तो मिड कैप में मैं थोड़ी देर पे आता हूँ, पहले मैं इंडेक्स पे, निफ्टी पे ही फोकस करता हूँ। तो निफ्टी को मेरे ख्याल से आप 2 हिस्सों में आराम से तोड़ सकते हो, वो वाले कंपनी जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ जीरो के बराबर हो गई है, और वो वाले कंपनी जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी बरकरार है, 10-11-12 पे चल रही है, राइट। तो अगर हम जीरो वाले इकोसिस्टम देखें, राइट, काफ़ी सारे इनमें PSU हैं या उनका कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम है, राइट। एंड PSU और कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम में क्या हुआ है कि सरकार का कैपेक्स साइकिल थोड़ा ठंडा पड़ गया है। अब वो किस लिए हुआ है, वाई हैज़ गवर्नमेंट कैपेक्स कॉन्टॉक, सरकार ने कैपेक्स इतना धीमा क्यों कर दिया है बजट के बाद, मेरे पास अभी तक साफ जवाब नहीं है। होपफुली कुछ क्लैरिटी आएगी जब 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन जी बजट पेश करेंगे। बट सरकारी कैपेक्स के धीमा पड़ने से जो PSU और उसका जो कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम है उसकी EPS ग्रोथ पे जाहिर है एक प्रेशर आ गया है, एंड दैट हैज़ क्रिएटेड इन द निफ्टी एक बड़ा स्पॉट ऑफ प्रेशर। मेरे ख्याल से करीबन 50-60% निफ्टी का वेटेज इस 0% EPS ग्रोथ के कैटेगरी में आ जाता है। अगर बाकी निफ्टी देखें, राइट, जैसे कि हमारे पुराने पसंदीदा स्टॉक्स HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, उस प्रकार के स्टॉक देखें, वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है, कोई 5 है कोई 15 है, भले उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। हाँ, सो शेयर प्राइस बेसिस पे अंडर परफॉर्म किया, बट उनकी अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी सुदृढ़ है, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ होल्ड अप कर रही है। एंड मेरे ख्याल से ये डीमार्केशन अब आ गया है, ये वाला जो सितंबर का जो अर्निंग सीजन था उसमें साफ दिख रहा है कि कमज़ोर अर्निंग्स ग्रोथ वाले स्टॉक की भारी पिटाई हो रही है, और जिन कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ होल्ड अप कर रही है, ठीक ठाक पकड़ 10-11-12 आ रही है, उनकी स्टॉक प्राइस होल्ड अप कर रही है। मेरे ख्याल से ये माहौल बरकरार रहेगा अगले 3-4 क्वार्टर कि जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल 25-30% लाते हैं, भारी रीइन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ 10-11-12 के आसपास खड़ी रहेगी,
और बाकी जो जो कमज़ोर कंपनी है जिनकी कुछ फंडामेंटल्स खास पहले थी नहीं, दो तीन साल वो स्टॉक भागे हैं, उनकी अर्निंग जो जीरो या नेगेटिव पे आ गई है और वहाँ पे पिटाई होगी। तो यह रही निफ्टी की बात, राइट, एक काफ़ी शार्प डिमार्केशन आ गया निफ्टी के अंदर, किसकी अर्निंग्स ग्रोथ खड़ी अभी भी तगड़ी है और किसकी कमज़ोर पड़ी है, उस मुताबिक स्टॉक प्राइस ट्रेंड कर रहा है। अब आते हैं स्मिड कैप में। स्मिड कैप में भी मैं कहूँगा दो कैटेगरी बन गए हैं, एक तो है जो फिर से ये कॉन्ट्रैक्टर इकोनॉमी, राइट, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या PSU के कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे स्टॉक 3 साल में 6 गुना 7 गुना 8 गुना चली है, लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स देखो, बैलेंस शीट देखो, कैश फ्लोज देखो, वो कमज़ोर हैं। वहाँ पे जो 60-70-80-90 टाइम्स पे जो स्मिड कैप्स ट्रेड कर रहे हैं एंड जहाँ पे फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल से करेक्शन आई, ये वाली करेक्शन शुरू नहीं हुई है स्मिड कैप्स में, कमज़ोर स्मिड कैप की अभी भी पिटाई शुरू नहीं हुई है। आई थिंक वो पिक्चर अभी भी आना बाकी है। आयरॉनिकली अब तक जो लास्ट एक महीने का एक्शन देखा है, जब काफ़ी हद तक लार्ज कैप्स में फोकस्ड रहा है, स्मिड कैप का करेक्शन मेरे ख्याल से लार्ज कैप से ज़्यादा रहेगा, बिकॉज स्मिड कैप की जो कंपाउंडिंग रही है वो ज़्यादा भागी है, राइट। अगर आप लास्ट 3 ईयर्स देखें BSE 500 करीबन 30, लास्ट 4 ईयर्स देखिए, लास्ट 4 साल में BSE 500 करीबन 30-35% पे कंपाउंड किया है, बट लास्ट 3 साल में निफ्टी उतना नहीं भागा जितना कि स्मॉल कैप भागा है, एंड जाहिर है देयरफॉर ओवर अ 6 मंथ पीरियड स्मॉल कैप की करेक्शन ज़्यादा होगी, एंड फिर वहाँ पे भी आई थिंक क्वालिटी वर्सेज नॉन क्वालिटी का एक डिस्टिंक्शन आ जाएगा। तो अगेन क्योंकि हम रिसेंसी बायस से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वैसे तो क्या मिड और स्मॉल कैप भी 8-9% गिरे हैं, लेकिन आपके हिसाब से ये तो अभी कुछ भी नहीं है। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो रैली हुआ है, राइट, अगर हम स्मॉल कैप की रैली देखें वो निफ्टी से कहीं ज़्यादा रही है। इनफैक्ट अगर हम 3 महीने पहले आप और मैं बैठते तो हम देखते कि निफ्टी की वेटेज एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल स्टॉक मार्केट इज आई थिंक एट अ 10-year low, राइट। तो बिकॉज स्मॉल कैप इतना भागा है कि निफ्टी की वेटेज स्मॉल कैप के तुलना में एक्चुअली काफ़ी घट गई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में निफ्टी में जो कमज़ोर स्टॉक हैं वो ज़्यादा पिट रहे हैं। जो पूरी स्मॉल कैप की जो सफाई है वो मेरे ख्याल से 2025 की डिफाइनिंग कहानी रहेगी, एंड दैट्स वेयर आई थिंक अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स रियली विल बी टेस्टेड। उनकी एक परीक्षा ली जाएगी, मार्केट उनकी परीक्षा लेगी, कैन यू होल्ड योर नर्व व्हेन यू आर सीइंग कंपनीज विथ वीक फंडामेंटल्स पुल बैक। तो आपने बार बार कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम का जिक्र किया, हाँ जी क्या है एग्जैक्टली ये कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम? देखिए काफ़ी हद तक यहाँ पे भारत सरकार की सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड के बाद जब इकोनॉमी पूरी ठंडी पड़ गई थी तो सरकार ने कैपेक्स बढ़ाया। तो अगर हम ईयर टू मार्च 21 का बजट देखें, ईयर टू मार्च 22, ईयर टू मार्च 23 एंड ऑल द वे ऑलमोस्ट टू द ईयर टू मार्च 24, FY 24 में वोट ऑन अकाउंट था रादर देन अ प्रॉपर बजट, बट FY 21, 22, 23 के जो बजट से अगर हम देखें उसमें सरकार ने 3 क्षेत्र में दबा के कैपेक्स किया। पहला तो है रोड्स, दूसरा है डिफेंस और तीसरा है रेलवेज, राइट। तो करीबन 4 बजट लगातार सरकार ने कैपेक्स का खर्चा बढ़ाया इन 3 क्षेत्र में एट अराउंड रफली 25-30%। तो अगर आप 4 बार लगातार 25-30% से खर्चा बढ़ाओ, यू मोर देन डबल द गवर्नमेंट कैपेक्स आउटले ऑन रोड्स, रेलवेज और डिफेंस, राइट। नाउ जैसे मैं बोल रहा था कि ये जो इलेक्शन के बाद 4 जून 2024 इलेक्शन के बाद ये वाला कैपेक्स का जो खर्चे का जो सिलसिला था वो ठंडा पड़ गया है। किस लिए ठंडा पड़ गया मेरे पास अभी भी साफ जवाब नहीं है, बट उसका असर जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट आएगा, बिकॉज जो ऑर्डर बुक भाग रही थी, जो कॉन्ट्रैक्टर इकोसिस्टम थी, जो सड़कें बना रही थी, डिफेंस के पुर्जे बना रहे थे, रेलवे के पुर्जे बना रहे थे, उनका जो ऑर्डर बुक भाग रहा था, उनकी जो अर्निंग्स भाग रही थी, वो पूरा सिलसिला ठंडा पड़ गया है, एंड एज अ रिजल्ट जाहिर है स्टॉक प्राइस पे डिस्प्रोपोर्शनेट असर आएगा। ने जब शुरुआत की तो आपके फंड ने शुरू के 2 साल में शानदार रिटर्न्स दिए, काफ़ी आपके नए इन्वेस्टर्स बने, फिर आपका एक पीरियड आया जिसमें हमने ये सब डिफेंस, रेलवेज, PSUs, इसमें मैसिव रैली देखी, लेकिन आपका पोर्टफोलियो यहाँ अलाइन नहीं था, आपका पोर्टफोलियो उन्होंने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, आपने काफ़ी आई थिंक क्लाइंट्स भी लूज़ करे, कभी आपको टेम्पटेशन नहीं हुई कि मैं थोड़ा सा इस स्पेस में रहता हूँ जहाँ पर आज इस समय हम काफ़ी करेक्शन देख रहे हैं? देखिए मैं 2008 साल में इंडिया आया, राइट, तो मैंने 2009 का बुल रन मेरा 2009 का जो बुल रन था वो मेरा पहला बुल रन था, और उसमें मैंने देखा 2009 के बुल रन में कि किस प्रकार से लो क्वालिटी स्टॉक्स
एक साल में ट्रिपल क्वाड्रुपल हो सकते हैं, राइट। सो 2009 की बात कर रहा हूँ, ईपीसी के कंपनीज अभी भी रट्टे से नाम याद है मेरे को, कौन से ईपीसी के कंपनी ने स्टॉक भगाया, ऊंचे के भाव पे पैसा रेज किया, और वही सेम कंपनी 11 12 13 में अनुज, वही सेम कंपनी 2009 पे दबा के पैसा रेज कर रही थी एट्स अ रिच वैल्यूएशन, वही कंपनी 11 12 13 में पूरी साफ हो गई। फिर से मैंने फिर को दूसरी बार मेरे को ये पिक्चर देखने का मौका मिला 2017 में एक एनबीएफसी का बोल रन आया जहाँ पे लो क्वालिटी एनबीएफसी के शेयर प्राइस खूब भागे, राइट। एंड एनबीएफसी ने तो सीपी कमर्शियल पेपर भी इशू किया बॉम्बे के बॉन्ड मार्केट में, तो वो सिलसिला वो मूवी मेरे को फिर से 2017 में देखने को मिली, और वही सेम एनबीएफसी 2018 के लास्ट 3-4 महीने में 80-90% करेक्ट हो गई। तो मैंने ये पिक्चर दो बार देख के रखी है, तो जो इस बार फिर जब 21-22-23 में फिर से वही सिमिलर सा एक माहौल दिखा, तो ज़्यादा अपने आप को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं हुई, और मेरे साथ जो मेरे कोलीग काम करते हैं वो मेरे साथ करीबन 20 साल से जुड़े हुए हैं, तो हमने लो क्वालिटी रैलीज़ पहले भी देख के रखा है, एंड वी रियलाइज़ कि निवेश तो करना ही नहीं है, एंड वी ऑल्सो रियलाइज़ कर निवेश ना करें लो क्वालिटी में, राइट, लो क्वालिटी कंपनीज में निवेश ना करें, वी रियलाइज़ कि लोग क्लाइंट्स चले जाएंगे, तो आई सेड सच इज़ लाइफ, राइट, हमको क्वालिटी में निवेशित रहना है, नॉट बिकॉज हमको क्लाइंट्स को कमज़ोर रिटर्न देना है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू गिव क्लाइंट्स गुड रिटर्न्स, बट क्वालिटी में इसलिए निवेशित रहना है कि क्योंकि जब ये घुसेगा, राइट, अगर हम 2018 अगस्त की याद दिलाता हूँ, 2018 अगस्त DHFL और येस बैंक मेरे को अभी भी याद है, करीबन पाँच दिन में DHFL येस बैंक 5 days ओनली 80-90% स्टॉक प्राइस करेक्शन हो गया, राइट। सो द प्राइस यू पे फॉर बींग ग्रीडी, the price you pay for being greedy around the wrong kind of company, जो कमज़ोर कंपनी के आसपास अगर आप लालच दिखाते हो तो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, शॉर्ट रन में आप थोड़ा नंबर वंबर दिखा दिए, शॉर्ट रन में थोड़ा अल्फा फैल्फा दिखा के आप कुछ क्लाइंट को आकर्षित कर सकते हो, बट वो मेरे ख्याल से लाभदायक गेम नहीं है। इसलिए हमने बोला कि हम क्वालिटी में ही निवेशित रहेंगे, एंड एज आई एम श्योर यू नो, एज आई एम श्योर एवरीबडी वॉचिंग दिस प्रोग्राम नोज, हम निवेशित रहे HDFC बैंक में, एशियन पेंट्स में, डिवीज लैब में, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में, इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरे माँ बाप का पैसा लगा हुआ है, माई पेरेंट्स आर 75 years और उनका पैसा लगा हुआ है, और हमारे अब 5,500 क्लाइंट्स का पैसा लगा हुआ है, एंड नेचुरली 2022 का साल टफ रहा, 2023 के पहले 6 महीने टफ रहे, बट लास्ट 18 months, लास्ट 18 महीने की बात करो, वी आर ऑफ 50%, 18 महीने में टोटल रिटर्न आई है 50%। नाउ हमको अपने ग्रीड पे एक लगाम रखनी है, अगर 18 महीने में आपकी पोर्टफोलियो आप 50% है और उससे किसी को दिक्कत है, तो माय पॉइंट टू दोज पीपल इज़ आप अपना कुछ और ज़िंदगी में सोचिए। वी आर इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी कंपनीज जो दशकों से इंडिया में कंपाउंडिंग दिखला रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि आपको कमा के नहीं दे रहे हैं। सिंस इंसेप्शन, मार्सेलस की शुरुआत हुई थी 1 December 2018 में, सिंस इंसेप्शन नेट ऑफ फीस, नेट ऑफ ऑल चार्जेस, हमने क्लाइंट्स को 17% कंपाउंड रिटर्न कमा के दी है, तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक काम किया है। हाँ, गलतियाँ किया, वी ऑफ कोर्स वी हैव मेड मिस्टेक्स 2021 में, अगर मेरे पास थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग चलाता 2021 में, वी वुड हैव कट सम ऑफ आवर विनर्स इन 2021। 2021 में शायद हम पेज, डिवीज, डॉक्टर लाल, ये अगर हम 2021 में छोटा कर देते पोजीशन, तो 2022 में हमारी करेक्शन कम आती, वी वुड स्टिल अंडर परफॉर्म इन 2022। जब क्वालिटी बैक सीट लेगा, हम अंडर परफॉर्म करेंगे, बट अंडर परफॉर्मेंस की मात्रा कम होती अगर हम 2021 में थोड़ा सा और सावधानी बरतते। आपकी बिग कॉल क्या है, अगले एक साल वापस प्योर क्वालिटी में रहें और अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को उसमें थोड़ा सा म्यूटेड रखें? ठीक है, मेरा बिग कॉल है कि अगला एक साल, अगला 10 साल, राइट, 1 या 10, इंडिया में वही कमाएगा, वही इंसान कमाएगा इंडिया में जिसको क्वालिटी की परख होगी, जो भागेगा बेताहाशा, जो बेताहाशा भागेगा आफ्टर टुडेज विनर, राइट, कोई ना कोई स्टॉक तो हर साल चलेगी, जो आके मेरे को बोलेगा मेरे को इस साल के भागते हुए स्टॉक में पैसा लगा दो, उसका इंडिया में मेरे ख्याल से दिक्कतें ज़िंदगी में उन वैसे निवेशक की आती रहेंगी। इंडिया में जिसको क्वालिटी की परख होगी, क्वालिटी मतलब ईमानदार प्रमोटर, मेहनती प्रमोटर और दिमाग वाला प्रमोटर, राइट, तीन, इसके एक मिश्रण चाहिए, वो वाला प्रमोटर जिसके पास ईमानदारी हो, मेहनती हो और दिमाग वाला हो, वैसे प्रमोटर पे आप उसको बैक कीजिए, शांति से लगा के रखिए पैसे, इंडिया में ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। और जब मैं अपने नुस्खे खुद ही भूल जाता हूँ तभी हमारी दिक्कतें आती है।
थैंक यू सो मच। गेट रिच के कवरेज में आज इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।